ज्योति आर्ट शो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिगिनर आर्टिस्ट किस तरह से इतना बड़ा आर्टिस्ट बन गया कि वो सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बन गया? क्या आपका भी कभी सपना है कि आप भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बने? तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में एंड उनका डे शेड्यूल क्या रहता है, किस तरह वो एक आर्टिस्ट के बतौर काम करते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ये सब कुछ जानेंगे आप ज्योति आर्ट शो में। क्योंकि इसमें आने वाले हैं डिफरेंट टाइप के बिगिनर एंड एक्सपर्ट आर्टिस्ट जो कि हमारे साथ मिलकर करेंगे बातचीत और सारा डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें हम आपको इंस्पायर करेंगे और साथ में आपको मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन ताकि आप भी अपनी लाइफ को कर सकें सक्सेसफुल एज एन आर्टिस्ट। वेलकम टू ऑल प्लेटफॉर्म ज्योति आर्ट शो, आप सबका स्वागत है। तो आज है हम रोनू आर्ट गैलरी के साथ और रोनू जी से बात करेंगे कि वो एज एन आर्टिस्ट कैसा फील करते हैं, उनकी लाइफ में संघर्ष एंड किस तरह वो सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं शुरू। सो एज एन आर्टिस्ट कैसा लगता है आपको? स्टार्ट किया था, शौक है बचपन से, अच्छा लगता है। आपके कुछ आर्टवर्क्स दिखा सकते हैं जो आपकी नजर में सबसे बेस्ट हैं? It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, but ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, keep the melted down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. Fire, burning holes inside my brain. सभी के सभी। I know some days with you is paradise. Now you spin me in a well with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. किस तरह की आर्ट बनाते हो जो लोगों को इंस्पायर करती है एंड ऑर्डर बेस्ड वर्क भी है क्या, आपका बताइए जरा। जी आते हैं ऑर्डर्स भी आते हैं हमारे पास, जैसे अपन सोसाइटी से और अपना जो स्कूल भी है वहाँ भी अपन ने किया हुआ है, मतलब अचीवमेंट है, मेडल वगैरह भी है पर हमारे पास। आपको क्या लगता है कि एज एन आर्टिस्ट क्या एआई आपको टक्कर दे सकता है? एआई तो दे सकता है टक्कर, जो अपन आर्टिस्ट लोग हैं वो एआई पर नहीं दे पाएंगे। AI एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आर्ट की फील्ड में आपको क्या लगता है कि पैशन का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है? जिसके अंदर पैशन है ना भाई, कोई कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। मतलब सुबह से लेकर शाम हो जाती है, बहुत टाइम होता है, टाइम देना पड़ता है। यंग यूथ एंड सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये कि आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो, आर्टिस्ट को नहीं मतलब जो कुछ अलग करना चाह रहा है, कुछ अलग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो उनको सपोर्ट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।